जगत पिता जगदीश्वर शिव की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। देवों के देव श्री महादेव की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हम जगत पिता जगदीश्वर शिव की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। देवों के देव श्री महादेव की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय उमापति महादेव, जय जगतपति महादेव, जय उमापति महादेव, जय जगतपति महादेव। ओमकार जिनका स्वरूप है पर ब्रह्म भगवान, रक्षक सारे सृष्टि के है आदि देव भगवान। शिव शंकर है भोलेनाथ देवों के देव महादेव, कैलाश नाथ शिव विश्वनाथ है भोलेनाथ महादेव। नाम हजारों कथा हजारों वेद पुराणों में देवा, ऋषि मुनि देव मनुज करते हैं अंतर मन से सेवा। जब दीनों पर विपदा आई देव प्रकट होते हैं, दुखियों के दुख मिटा के देवा सकल सिद्धि देते हैं। हम श्रद्धा भाव से शिव चरणों में शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शिव का दर्शन होता है, सोमेश्वर सौराष्ट्र में है संसार नमन करता है। शापित चंद्र को शिव शंकर ने दर्शन यही दिया था, चंद्र देव को शाप से मुक्ति शिव ने यही दिया था। श्री शैल में मल्लिका अर्जुन शिव का दर्शन होता है, कार्तिकेय को मनाने का जो विवरण कहता है। उज्जैन में महाकाल की पूजा बड़ी फलदायी है, अकाल मृत्यु से बचता प्राणी शिव शंकर वरदायी है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का हम सबको दर्श कराता है, सबको दर्श कराता है। देवों के देव श्री महादेव की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय उमापति महादेव, जय जगतपति महादेव, जय उमापति महादेव, जय जगतपति महादेव। उज्जैन में ही ओंकार ममलेश्वर शिव स्थान है, ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर को शत शत बार प्रणाम है। परली में है वैद्यनाथ, डाकिन्या में भीमा शंकर, सेतु बंध में रामेश्वर जी, दारुकवन में नागेश्वर। वाराणसी में विश्वेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग का धाम है, त्र्यंबकेश्वर गौतमी तट पर ज्योतिर्लिंग भगवान है। हिमालय में केदारेश्वर जी का शुभ स्थान है, और शिवालय में घृष्णेश्वर महादेव का धाम है।
अवतार कवन में नागेश्वर का हम सब दर्शन पाते हैं, हम सब दर्शन पाते हैं। शिव शंकर है आदि देव जी, इनकी गाथा महान है। महादेवता सृष्टि जगत में बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु के संग शिव शंकर जी का स्थान है। सारी सृष्टि नमन करे नित करते शिव गुणगान है। अजर अमर अविनाशी देवा शिव को नमन करो। देवी पार्वती कार्तिकेय गणपति को नमन करो। शिव शक्ति एक दूजे के संग अलग नहीं होते। सारे सृष्टि के मात पिता सब इनके चरण है पढ़ते। सारे सृष्टि जयकारे करती सब गुण गाते हैं, सब गुण गाते हैं। बड़ी पुरानी कथा है शिव की और देवी सती की। सती के पिता ने यज्ञ किया था कथा दक्ष अहंकारी की। यज्ञ में नहीं निमंत्रण आया फिर भी सती जी जाती है। वहाँ न शिव का भाग कहीं था देवी बहुत लजाती है। ऊपर से अहंकारी पिता ने कहा कि क्यों हो आई, मैंने नहीं बुलाया तुमको फिर क्यों चली हो आई। देवी सती अपमान इतना सहन नहीं कर पाती है। योगाग्नि से अग्नि प्रकट की और भस्म हो जाती है। शिव शंभो की समाधि टूटी और पहुँच जाते हैं, और पहुँच जाते हैं। सती के मृत शरीर को उठाया कांधे रख कर है चलते। हुए बावले शिव जी केवल सती नाम लेते फिरते। विष्णु जी ने देखा कि शिव जी तो वियोगी हो बैठे। सती के शव को कांधे पर रख महाप्रलापी हो बैठे। लोक लोक वे घूम रहे सती के शव को लेकर। विष्णु जी ने चक्र चलाया गिरने लगा शव कटकर। 51 तन के भाग हुए गिरे सभी धरती पर। 51 शक्ति पीठ बने मुक्त हुए योगेश्वर। फिर तप करने चले गए वैराग शंभु कहलाते हैं, वैराग शंभु कहलाते हैं। महादेव।
महापति महादेव, जय जगतपति महादेव। इधर तारका असुर ब्रह्म की पूजा करता था, ब्रह्मा प्रकट हुए तो उनसे एक वर मांगा था। कहता था कि मेरी मृत्यु शिव के पुत्र से ही हो। ब्रह्म देव बोले तथास्तु, कह तेरा वचन ही सिद्ध हो। प्रश्न उठा भगवान शंभु तो योगी राज बने हैं, इसीलिए तारका असुर ने खूब उत्पात किए हैं। सभी लोक में तारक राक्षस का फिर से डंका बजता, अजय बनकर तारक सारे लोकों का राजा बनता। शिव शंभु कैलाश के हैं, योगी राज कहते हैं, योगी राज कहते हैं। इधर सती देवी बनकर पार्वती जन्म लेती है, राजा पर्वत राज हिमालय की बेटी बनती है। रानी मैया की प्यारी सी बेटी बनकर आई, बचपन से ही शिव शंभो से देवी लगन लगाई। सोते जगते शिव शिव जपती, शिव शिव है करती। शिव को पाने हेतु पार्वती बड़ा कठिन तप करती। उधर सभी देवता महादेव को है मनाते, टूटी नहीं तपस्या तो कामदेव को नचाते। कामदेव रति नाच नाच शिव जी को फिर जगाते हैं, शिव जी को फिर जगाते हैं। शिव की नहीं तपस्या टूटी, कामदेव खूब नाचे। नाचते नाचते थक गए तो फूलों का बाण चलाते, शिव को पुष्प का बाण लगा तो खुल गई तीसरी आंख। कामदेव को भस्म कर दिया, पल में हो गए राख। काम की पत्नी रति चीखती, शिव ने दया दिखाई। कामदेव जीवित हो पर वह अनंग रह बतला दी। तभी देवताओं ने तारक असुर बात सुनाई, शिव जी ने स्वीकार किया विवाह की हो तैयारी। सृष्टि की रक्षा हेतु शंभु तैयार होते हैं, शंभु तैयार होते हैं।
उधर पार्वती तप करती है, लेने पहुँच परीक्षा शिव जी। देवी पार्वती के आगे शिव को अब शब्द कहे शिव जी। पार्वती शिव के अपमान को किंचित ना सुन सकती थी, अपने तपोबल का प्रयोग कर सारी परीक्षा देती थी। शिव जी को पहचान गई थी, शिव लीला पहचानी, शिव भी शक्ति को पहचाने, उमा बनी अर्धांगिनी। फिर तैयारी होने लगी शिव पार्वती के ब्याह की, शिवगण खुशी से झूम उठे, खुशी की बड़ी प्रवाह उठी। शिवगण भूत प्रेत शिव का श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करते हैं। सिंह असंख्य शंभु के शिवगण चले बराती बन करके, नंदी पे विराजे भगवन। जटा जूट सर्पों मुंडों की माला पहने मतवाला, पार्वती के द्वारे पहुँचे महादेव बन कर दूल्हा। घर वाले भागे सब डर के, सब भीतर जा छुपते हैं। पार्वती देवी हंसती पर सभी धराती रोते हैं। अंत में सुंदर दूल्हा बनकर शिव जी ब्याह रचते, देवी पार्वती को कैलाश पे विदा कर ले जाते। कार्तिकेय पैदा होते तारक को मार गिराते हैं, तारक को मार गिराते हैं।